हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक साइंस तो आज हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी की कल की क्या मूवमेंट हो सकती है फर्स्ट मार्च को और वो मूवमेंट के साथ हम देखेंगे कि कल हम हमारा कैसा ट्रेड प्लान कर सकते हैं क्या ऑप्शंस की स्ट्रेटजी रहेंगी कल हमारी ये हम देखेंगे ठीक है तो बैंक निफ्टी अभी ये डेली चार्ट है तो डेली चार्ट में दिख रहा है कि बैंक निफ्टी क्लियर कट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो यहाँ पर हम कुछ खास नहीं कर सकते यहाँ पर हम एक ही बात कर सकते कि सेल ऑन राइट्स कर सकते हैं क्योंकि लगातार सेलिंग आने के बाद बैंक निफ्टी ने अभी पॉज लिया है मतलब एक ट्रेंड और एक अभी साइडवेज मार्केट आ, बनते जा रहा है तो देर आर वेरी हाई पॉसिबिलिटीज की आने वाले थर्सडे को बैंक निफ्टी मतलब एक्सपायरी को बैंक निफ्टी शायद ट्रेंडिंग हो जाएगा इधर अप साइड और डाउन साइड ठीक है वो तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा ठीक है अभी हम देखते हैं कि फिफ्टीन मिनट चार्ट में क्या क्या हो सकता है देखिए फिफ्टीन मिनट चार्ट में हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी पूरी तरह से साइड बिज गया है आप कल की बात अगर करोगे ये है ट्वेंटी सेवन फेब्रुवरी यहाँ पर यहाँ पर जो चार्ट है ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन फेब्रुवरी की वीडियो आप मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं मैंने पिछले बड़ी वीडियो में भी कहा था अगर जो भी फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी उसके ऊपर और उसके नीचे फर्स्ट ग्रीन कैंडल आफ्टर फिफ्टीन मिनट ये ट्वेंटी की बात कर रहा हूँ मैं तो उसके ऊपर है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते हो हुआ।, हुआ वैसे ही फिफ्टीन मिनट के बाद ये ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल को ऊपर जैसे ही मार्केट निकल के तो देखिए कितना बड़ा मूव आया और आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो ट्रेड है इंड्रा में प्राइज़ एक्शन के साथ कैसे अच्छी तरह से हम पूरी रैली कैप्चर कर सकते हैं और वो भी एकदम छोटे से स्टॉप स्टॉप लॉस के साथ वो भी प्रैक्टिकली तो मैं एक वैसा वीडियो प्लान कर रहा हूँ जहाँ पे इंटरडे में बहुत अच्छा स्कैल्पिंग की तरह वो काम करेगा लेकिन बहुत अच्छे प्रॉफिट भी देते हैं इस स्ट्रैटेजी मैंने खुद यूज़ किए अभी तो मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ ऑप्शनस में लेकिन इंटरडे में मैंने बहुत मतलब प्रॉफिट कमाया उस ट्रेड से तो वो वो भी मैं आपके साथ शेयरिंग करूँगा आने वाले समय में ठीक है तो हम देखते हैं यहाँ पे आज का दिन तो यानी कि ट्वेंटी एट से ट्वेंटी एट फेबर तो पूरा ही साइड वेज गया मार्केट ठीक है अभी क्या हो सकता है देखिए ये जो ये जो यहाँ पे लाइन दिख रही है ये वाली ये एक रेंज हो गई हमारी और नीचे की तरफ ये तो मेजर रेंज है और ये एक ये जो है ये एक मेजर रेंज है मार्केट एकदम नैरो रेंज में चल रहा है तो अगर हम कल देखेंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है ठीक है फ्लैट और थोड़ा सा गैप डाउन या थोड़ा सा गैप अप तो अगर इसी रेंज में मार्केट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होके अगर निकल जाता है यहाँ पर तो क्लियर कट इट्स अ बुलिश साइन तो हमारा इमीडिएट टारगेट जो है तो हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा अराउंड फोटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आसपास ठीक है क्योंकि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी हमें दिख रहा है तो ट्रेड प्लान हमारा कैसा रहेगा कि कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ तो हम क्या करेंगे कि स्ट्रैडल बेचेंगे फोर्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड के आसपास का जो ट्रैडल है देखिए मैंने यहाँ पे बना के रखा है ऑप्शनल का अभी देखिए ये जो प्रीमियम है कल शायद आपको नहीं मिलेंगे ही नहीं शायद मतलब मिलेंगे ही नहीं टू हंड्रेड टू हंड्रेड ये शायद वन फिफ्टी वन सेवेंटी के आसपास आपको मिल जाए लेकिन रेंज का अंदाज़ा आपको आ जाएगा देखिए ये स्ट्रैडल है यहाँ पे आपको रेंज दिख रही है ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको रेंज दिख रही है ये कल शायद ये रेंज फोर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के आसपास आएगी फोर्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और ये थर्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड के आसपास आएगी तो मतलब अगर चार्ट पे अगर देखेंगे ये रेंज हमें तो चार्ट पे शायद ये रेंज है फोर्टी रेंज क्या है फोर्टी फोर्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जो कि सेम यही रेंज है और नीचे वाली इसी इसी के आस पास है तो कल क्या करेंगे अगर मार्केट ने ये ब्रीच किया फोर्टी थाउज़ेंड फोर हंड्रेड फोर्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड अगर क्लोज मतलब ब्रीच मतलब आप ऐसा मत समझो कि प्राइस ने टच कर दिया रिटर्न आया नहीं फाइव मिनट कैंडल वहाँ पे ऊपर क्लोज करने दीजिए और नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर अगर क्रॉस करने लगे देन एंड देन आपको आगे का ट्रेड प्लान करना है तो इनिशियली अगर फ्लैट थोड़ा सा गैप डाउन थोड़ा सा गैप ओप उप ओपन हुआ तो आप स्टैडल बेच सकते हो यहाँ पे और स्टैडल जब बेचोगे जैसे ही मार्केट फाइव मिनट कैंडल क्लोज़ करेगी आप एक कॉल का कालेगा आप कट करो और पुट का लेग कैरी करके लेके जाओ यहाँ तक और जैसे कि मार्केट फोर्टी के आसपास पास यहाँ पर टच हो जाएगा इसी रेंज में तो आप सैडल से निकल भी सकते हो और फिर यहाँ के जो पुट से एक्स्ट्रा फुट फोर्टी थाउजेंड वन हंड्रेड या फिर फोर्टी थाउजेंड के आसपास के जो पुट से एकदम सेफ साइड ये आप सेल कर सकते हो ठीक है तो ऐसे हम प्लान करेंगे और सेम अगर मार्केट नीचे जाने लगे तो साइडल में कॉल निकालेगा आप कट सक कर, कर सकते हो का ले सॉरी पुट कर कर कट कर सकते हो और फिर ये ट्रेड प्लान कर सकते हो उस हिसाब से आप ये पुट पुटका ले प्लान कर सकते हो तो अभी हम बैंक निफ्टी का देखते हैं बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट है डेली चार्ट में आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली नौ दिन लगातार बैंक निफ्टी में रेड कैंडल्स बनाए जो कि बहुत रेयरली हुए शायद पहले कभी 2019 में ऐसा हुआ था और ये आज हो रहा है मतलब आज के दिन भी रेड कैंडल बनी तो और यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट एक एम पैटर्न जो ब्रेक किया है मार्केट ने जो पी यहाँ का जो सपोर्ट था इस लेवल पे ये सपोर्ट भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया देखिए ये वाला जो सपोर्ट है ये भी आज मार्केट ने ब्रेक कर दिया ठीक है तो निफ्टी जो दिख रहा है तो वो क्लियरली निगेटिव ट्रेंड में दिख रहा है लेकिन ये भी पॉसिबिलिटीज है कि नौ दिन लगातार रेड कैंडल बनने के बाद शायद कल एक माउल बैग आ सकता है या फिर वेंसडे के दिन बा... कल साइड साइडवेज जाके वस्डे के दिन एक माउल बैक आ सकता है तो देख चलिए फिफ्टीन मिनट में हम देखते हैं कि क्या बैंक निफ निफ्टी की मूवमेंट रही है देखिए आज का दिन तो पूरा जैसे ही मार्केट ओपन हुआ वैसे ही मार्केट ने गिरना चालू कर दिया देखिए पहले आ, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ फ्लैट ओपन हो थोड़ा ऊपर फेक ब्रेकग्राउंड दे मार्केट नीचे आया तो और क्लोजिंग भी बहुत अच्छे कुछ दिए नहीं लोअर साइड ही क्लोजिंग दिए मतलब प्रीवियस का जो लो थे प्रीवियस डे के उसके आसपास ही क्लोजिंग दिए मार्केट में तो पूरी तरह से ही निगेटिव है अगर कल देखेंगे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से अगर क्रॉस करता है लो तो एक शायद हमें और बड़ा सेल ऑफ दिखने को मिले कर और अगर मार्केट ने ये सस्टेन किया मतलब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर सस्टेन किया सस्टेन किया निफ्टी ने तो हमें फिर इमीजिएट टारगेट तो हमें सेवनटीन थाउजेंड फोर फिफ्टी के आसपास ही दिख रहे हैं इमीजिएट टारगेट उसके पीछे क्यों क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है Uh, मतलब ये जो टॉप लगे प्रीवियस स्विंग है ये ईजिली ब्रेकअप ब्रेक नहीं होंगे अभी क्योंकि एक डाउन ट्रेड है सेलिंग का बहुत प्रेशर है तो जब भी ये स्विंग्स हाइट्स को निफ्टी टेस्ट करेगा तो यहाँ से थोड़ा शार्प सेल ऑफ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ठीक है तो जैसे हमने बैंक निफ्टी में देखा वैसे ही हम यहाँ पे स्टार्टल का प्लान कर सकते हैं कल और जैसे ही क्योंकि क्या है कि क्लियर कट ट्रेंड दिख रहा है हमें अगर ये क्रॉस किया तो मार्केट नीचे जाएगा तो यहाँ पे अगर आप स्टैडल बना दोगे अगर फ्लैट ओपन हुआ तो आप जैसे ही मार्केट नीचे जाने लगे तो आप पुट साइड कट करके कॉल का साइड होल्ड कर सकते हो और अब अगर आपके पास एक्स्ट्रा मार्जिन हो तो ये जो ऊपर वाली कॉल है सेवनटीन थाउजेंड हंड्रेड के आसपास के कॉल ये आप बेचना चालू कर सकते हो और अगर कॉल अगर मार्केट रिवर्स आया तो आप नीचे से पुट भी ऐड करना चालू कर सकते हो तो क्या है कल वेंसडे तो प्रीमियम बहुत जल्दी डीके हो गए तो आपको बहुत अगर मार्केट थोड़ा रिवर्स भी आया मतलब आपके फेवर में जाके थोड़ा रिवर्स भी आया तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है ठीक है तो ये हमारा प्लान रहेगा कल का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का और हम मोस्टली ही प्रेफर करेंगे कल के दिन और स्ट्रेडली एडजस्ट कैसे करना है मैंने वो भी आपको बताया ठीक है ठीके? तो अगला वीडियो शायद मेरा प्राइस एक्शन पे हो सकता है और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि इंटरडे में आप Uh, कैसे स्कैल्पिंग करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो मैंने एक्चुअली खुद में वो प्रॉफिट कमाया है तो इसलिए मैं वो भी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत अच्छी बहुत मतलब बहुत ही अच्छी स्ट्रैटी है बस आपको कुछ नहीं चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते वो भी आपको बस आना चाहिए दैट्स इट उतना ही उसमें आ, ये है मतलब आपको नॉलेज चाहिए बाकी प्राइस एक्शन कैसे होती है क्या होती है वो तो आने वाले वीडियो में बताऊँगा और डेफ़िनेटली वो वीडियो आप देखेगा बहुत अच्छा आपका नॉलेज भी मिलेगा और शायद आपकी ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करने में आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी वो वीडियो ठीक है तो थैंक यू गाइस